इनको डाइवोर्स हो गई है, वो भी चार बच्चे लेके अम्मी की तरफ चली गई, मार मार के बुरा हाल कर दिया। पर ये देख लें, ये मैंने असेंबल कर लिया अच्छे से, ये वाला मोबाइल टूट गया। ओके भाई, तो जो काम में गई थी घर पे लगाओ। और यार चार मिसकैरेजेस हो गए आपको, ये से चलेगी अंदर से। रिप्लेस हो गए। आज मैं शॉपिंग कर रही हूँ, आज ये फंकी खुद लेते हैं अपने ब्लैक कलर में। वहाँ के मैंने ये सारी अलमारियाँ सेट किया, कितना खूबसूरत ड्रेस है यार। अच्छा जब मैं सो के उठती ना, मैं ऐसे भूत नहीं लगती। रात को मैंने बाल धोए थे और मैं गीले बाल लपेट के सो गई, और सुबह उठ के बालों का ये हाल है, ये देखें। इसलिए कहते हैं गीले बाल नहीं लपेटने चाहिए। खैर अभी नाश्ता बनाने लगी, मैं चले आए नाश्ता बनाते हैं। रात को मैंने बनाई थी बिरयानी, बट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, ये देखें। अब मैंने इसको फ्रिज में रखा, मैं इसको गर्म करने लगी हूँ। सारे बर्तन में रात को धो के सोई थी, मैंगो शेक भी बनाया था, तो ये मैंने जूस वगैरह सब धो दिया था। दूध वाला देखचा भी खा लिए भाई, बच्चों ने चॉकलेट्स खाई हैं निकाल के फ्रिज से। सो अभी बर्तन समेटते हैं पहले, फिर नाश्ता बनाती हूँ। देखें बर्तन में रात को धो के सोते हैं सारे, जब पता होना खुद करना है काम फिर बंदा कर लेता है। आटा जो कल गूंदा था थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, फ्रिज में रखा हुआ है। मेरा ये वाला मोबाइल टूट गया, ये टूटा नहीं था, इसकी ना ख़राब चार्जर लगाने से ना इसकी स्क्रीन वाइट हो गई थी, फ्लैश कर गई थी। जब मैं इसको ले गई हूँ ना मोबाइल वाले के पास, कोई लाइन शाइन कुछ भी नहीं थी, पूरी स्क्रीन वाइट थी इसकी। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे, देखी होगी आपने। पता नहीं मोबाइल वाले ने कैसे खोला है, यहाँ से इसने तोड़ दिया, प्रॉपर लाइन आ गया इसके ऊपर। क्या कर सकते हैं, जब तक व्लॉग्स नहीं लगाते ना तो आपके व्लॉग्स का जो फ्लो होता है ना वो टूट जाता है। और पता है यूट्यूब वीडियो के एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, मतलब कम से कम एक दो घंटे का ही नहीं जाते। सो वो कुफत आती है सोच के इतनी लंबी एडिटिंग। खैर चले, अभी मैंने क्या किया, बलाज के लिए मैंने बनाया दाल वाला पराठा। उसके लिए ना मैंने दाल बनाई थी, तो मैंने आटा गूंद के फ्रीज कर दिया था, तो रोज़ उसको एक पराठा दाल वाला बना देती हूँ, बच्चा मेरा खुश हो जाता है। और ये हम सबके पराठे हैं चार, ये मैंने बेल के रख दिया ताकि सॉफ्ट हो जाए। चाय हमारी बन गई है, और ये चूल्हे पर बता दी तस्वीर में दूध गिराया है, फीडर बनाते हुए क्या किया है, इसको अभी हम साफ़ करेंगे। खाने के बाद चूल्हा बहुत गर्म हुआ है, और चूल्हे पर चॉकलेट गर्म करके खाइए यार, भी शिकाम है ना चूल्हे पर चॉकलेट मेल्ट हो गया। अब बाहर से सोया हुआ है, वेरी गुड। तो आप किधर थी? हाँ रोटी बना रही, श्वेता मिनट। ये बोला आज का दाल वाला पराठा। बोला आज आप शोर कर रहे हो बेटा। ये मैंने बेल के रख दिए पराठे, अब इनको तवे पे डालेंगे बस। बेटा फिर से बता, अपना काम कर रहे हैं, गर्मा टच पे लगी हुई है सेल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स का रश है, तो उनको बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता है सेकेंड ये घर पे आने का। चलो ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ की हुई है। ये जी हमारा दूसरा पराठा बन रहा है। आज मुझे एक लड़की का मैंने कमेंट्स देखा है कि मैंने आपको जब से बोला है कि आपकी रोटी में सुराख क्यों होता है, उस दिन से मेरी रोटी पराठे हर चीज़ में सुराख हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं किसी को बात करने नहीं चाहिए, तो अल्लाह करे सही हो जाए कि आपकी रोटी। देखो मैंने तो क्लियरली बताया हुआ है डे वन से कि मुझे इतनी कोई खास कुकिंग नहीं आती है, मुझे कुकिंग नहीं आती थी, मैंने शादी के बाद कुकिंग सीखी है। इतनी आती है कि मेरे बच्चे किसी घर नहीं जाते कि हमें खाना दे दो, तो किसी के साथ ना होती आती ना किया करें। वीडियोज़ ना आपके इंटरटेनमेंट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए होती हैं, कुछ सीखना होता है सीखें, नहीं सीखना होता नहीं। आपके पसंद की वीडियोज़ आप मत देखा करें, ठीक है। जो लोग प्यार करते हैं वो प्यार में देखते हैं, कुछ लोग कुछ सीखने के लिए देखते हैं, तो जिनको जो समझ आता है देखें, नहीं समझ में आती आप उस बंदे को छोड़ दो। मैंने आज तक किसी की वीडियो पर नेगेटिव कमेंट नहीं किया कभी, कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती मैं उसको छोड़ देती हूँ। और यार चार मिसकैरेजेस हो गए, इनको डाइवोर्स हो गई है, वो भी चार बच्चे लेके अम्मी की तरफ चली गई है, मार मार के बुरा हाल कर दिया। मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट लगाई थी लाइफ इन विलेज के चैनल के अबाउट, आपको याद होगा मैंने उनको शाउट आउट दिया था लास्ट ईयर। इतनी अच्छी माशाल्लाह उनकी लाइफ चल रही थी, बट उनकी शादी हुई है, इतने सारे क्राइसिस में गुजर रही है वो लोग, चार मिसकैरेज हो चुके हैं उनके। और इसके अलावा उनकी एक बड़ी बहन है जिनके चार बच्चे हैं, उनकी डाइवोर्स हो गई, वो भी उनकी तरफ आ गई है रहने के लिए। उनकी अम्मी भी काफ़ी बीमार है, उनको काला या अरकान हो गया है, मतलब नज़र जो है ना पूरे घर को खा जाती है। सो मैं आज की वीडियो में ना उनके चैनल को स्पेशल शाउट आउट दे रही हूँ, क्योंकि उनके घर को चलाने का जो वाहिद जरिया वो सिर्फ और सिर्फ उनका यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर वो बगैर अपना फेस दिखाए इतनी अच्छी व्लॉगिंग कर रही हैं। बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है इनकी इस टाइम पर, अम्मी को भी देखना है, अम्मी बीमार है, बहन और उसके बच्चे भी इन लोगों के पास है, उनकी भी देखभाल करनी है। आपको पता है मर्द कोई है घर में, यही है सिर्फ कमाने वाली। देखें जब आप लोग इनके चैनल को देखोगे ना,
तो वो जो बच्चे हैं ना चार, जो उनकी बहन के और इस चैनल के अर्निंग से जब उनकी कफालत होगी तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो आप लोगों को कितना सवाब मिलेगा सिर्फ चैनल को देखने से और शेयर करने से, ना पैसे देने ना कुछ करना है। सो सारे चाहे चैनल की वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं जी नताशा वकास ने बोला है सपोर्ट करने का, और सपोर्ट करें। लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का। तो जैसे वीडियो खत्म होगी सबसे पहले उनके चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, उनकी वीडियोज को वॉच टाइम भी देना और कॉमेंट्स भी करना, ठीक है, ताकि इनको ढेर सारा सपोर्ट मिले पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, इनके जो सारे मसाइल है वो हल हो जाए। वकास के ईद की शर्ट्स लेने, आउटफिटर्स यहाँ पे देख लें, आज निकाली हुई है स्मॉल में शर्ट्स, ये देखें एस, ये कलर भी अच्छा है, ये है ना, लगे दिखाना पता कैसा लग रहा है, नाइस, ये ले लो, और भी देखें अच्छा लग रहा है। सारे शिकायत करते हैं वकास भाई को डिसेंट से कपड़े लेके नहीं देती, आज मैं शॉपिंग कर रही हूँ आज, ये फंकी फंकी खुद लेते हैं अपने, कह रहे थे ये क्या बूढ़ों वाला लेके जरिए, मैंने कहा इतना डिसेंट प्यारा लगेगा आपके ऊपर, सीरियसली अच्छा लगेगा। अभी यही कलर वापस किया, नहीं ये तो आपने वापस किया, वो हाफ स्लीव्स में था वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, दोनों ले लें, ये दोनों नहीं चाहिए। क्या है, एक मैंने वकास को ये वाला पसंद करके दिया, कह रहे सब में मुझे सारे बहुत डिसेंट, आप लोग बताना कि मैंने अच्छी शॉपिंग करके दी है कि नहीं दी है, गंदी शॉपिंग करते हैं, दिखाना था अच्छे लग रहे हैं आप मेरे साथ, हमने बस इतनी शॉपिंग की है और इस वजह से एक ड्रेस मेरा है, इस पर रख दो कपड़े। अच्छा अभी हम ना इस दफा कमर्शियल नहीं गए शॉपिंग करने, हम यहीं से कर लिए अलजन्नत, और ये आउटफिटर, ये फैक्ट्री आउटलेट आउटफिटर और एथनिक का, जिसको नहीं पता तो वो आके शॉपिंग कर सकता है, इसमें चेंज होने वाला ड्रेस, चले आ गए, फिर का ड्रेस आया था छोटा वो चेंज कराने आया है, शोर बहुत ज़्यादा, पता नहीं आपको सुनाई भी देगा कि नहीं, हमारा रिप्लेस हो गया है, साथ में मुझे कुछ और पसंद आ गया, मैंने वो भी ले लिया है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हम बोलते हैं ऐसी क्यों होती हैं कि एक रिटर्न करवाने आते हैं और तीन साथ में और लेके जाते हैं। एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, उसकी सेंट इतनी प्यारी थी, वो सेम, उसका नाम क्या था, अरे सेम ऐसा ही वकास जे डॉट से लेकर आए हैं और वही सेम नेम के साथ अलजन्नत पे था फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी, अभी तक देखना हाथ से ना, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है, तुम्हारे लिए ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाना क्योंकि अडल्ट्री जितना गुनाह मिलता है परफ्यूम लगाने से, इस वजह से। अब वकास साहब की गाड़ी देखो कितनी डस्टी है, अब वकास कह रहे हैं टाइम निकाल के धुलवाने जाता हूँ गाड़ी, मैं तो कहीं दूसरी ले लें, बट बी आर वी और वो सस्ती हैं, बीआरवी भी सस्ती है, और बीआरवी सस्ती है ना वकास, और दूसरी कौन सी पसंद, वैसे भी आप मेरे ख्याल से काम सस्ता हुआ गाड़ियों, ग्लोरी भी सस्ती है ना, ग्लोरी भी ले सकते हैं हम लोग, ये जब ऐसे ड्राइविंग करते हैं ना वकास, आह इतने अच्छे लगते हैं, हार्ट बीट मिस हो जाती है मेरी, अगेन नहीं करना, आप चाहते हैं मर जाऊँ, मेरी हार्ट बीट मिस हो गए। हमने अभी जाना है कमर्शियल, जा रहे थे आप, नहीं आप अगर कोई चीज़ लेनी है तो फिर जाते हैं, अगर नहीं लेनी तो फिर जाते हैं। जब मैं आपको चमत्कार दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, अब मेरे साथ एक ब्लैक कलर की शॉर्ट्स लाऊंगी आप, ओके, फिर मैं आस्ता आस्ता निकल पे आ जाऊँ। तो शॉर्ट्स इतनी होती है ना, इतनी इतनी इतनी, वही तो अभी हम लोग आए हुए हैं बच्चों के ईद के शूज लेने के लिए, और शूज लोगे तुम, नहीं मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा पहले गोलगप्पे खाते, तो अभी हम आ गए गोलगप्पे, यहां पे बर्गर लिखा हुआ है, अंडे का बर्गर लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा बुला लिखाना है अंडे का बर्गर, और तस्वीर दिखाना है अंडे के बगैर का बर्गर, मुर्गी का बर्गर, ठीक है तस्वीर, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील तस्वीर है ना, वो कांच की गंदी गाड़ी से कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की गोलगप्पे कैसे बनते हैं, मैं सोच रही हूँ मैं भाई साहब को बोलूँ ग्लव्स ही पहन लें हाथों में, और ये हमारे गोलगप्पे आ गए हैं फाइनली, ओह माय गॉड ये क्या आ गया बलाज, क्या गोलगप्पे, बस खा रहे हैं झंडे वाला बर्गर, यम्मी है। एक बात बताओ स्ट्रीट फूड की ना बात ही अलग होती है ना, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे कोई, बना रहे हैं, इनको कैसे पता, नहीं ये कैसे खा रहे हो बलाज बर्गर, आप मांग रहे थे बर्गर, मैं ना पानी बहुत कम लगाती हूँ, इतना छोटा मेरा हाथ हिला रहे हैं,
बच्चों को शूज लेने गए तो बाहर ने सर फाड़ लिया। स्टाइलों पे शूज लेने गए क्या? पूरा दिन लगा के मैंने ये सारी अलमारियां सेट की, आपको नजर आ रहा है नीचे की, ऊपर की, मेरे कमरे की, बेसमेंट की रहती है। अभी सेट करना जो वॉकिंग क्लोजेट बना उसकी ना एक्चुअली ना एक वो रहता है, एक शीट लगनी रहती है, वो लग जाए तो फिर मैं शीशे वीशे साफ करके उसको भी सेट कर दूंगी। अब मेरे पास ईद पे पहनने के लिए काफी सारे कपड़े आ गए। एक मेरा ये ईद का ड्रेस आया, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, इसका दुपट्टा नहीं भेजा पेज ने। अब उसको फिर मैंने कल मैसेज किया कि दुपट्टा तो भेजो, आपको पता भी है कि मैं टू पीस नहीं पहनती हूँ। पता है वीडियोज में पहनना अलग बात है, रिश्तेदारों के सामने पहन के फिर ना अलग बात है, अनकम्फर्टेबल लगता है अपना आप ही। बट दिस वन इज सो प्रिटी, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ओह नो, किधर जा रहे हो? बच्चों को अंदर रखना पड़ेगा। मैं ऊपर जा रही हूँ। नहीं अंदर क्यों, तंग कर रहे हैं? कंप्रेसर से वो कर लिया। अच्छा बच्चों अंदर आ जाओ, ये देखिए कितना खूबसूरत ड्रेस है यार ये, है ना? ये देखो वकास, ये पहनो ईद के फर्स्ट। एक वकास ने लेके दिया, वो भी दिखाती हूँ। और जो तसीब का ड्रेस छोटा आया था उसकी जगह फिर मैं ये ले आई थी एक्सचेंज करवा के, ये ऐसा है ट्राउजर शर्ट है, ये शर्ट है नहीं जिसका ट्राउजर है, प्लाजो है। ये जिस हसर ड्रामे में सनाया पहनती ना, ये वैसा ड्रेस है। एक ये भी मुझे आया था हसीन ऑफिशियल से, ये भी बड़ा हुआ ड्रेस, ये भी पहन सकते हैं हम। एक वकास ने लेके दिया, ये वकास के जूते नहीं बच्चों के जूते हैं ईद के, कल वकास से कपड़े सारे सेट किए। चलो निकलो यहाँ से, हो गया बहुत ज़्यादा, हटाओ। वकास के बहुत प्यारे कपड़े आए हैं एथनिक से, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं आउटफिटर से। मेरा ड्रेस नीचे पड़ा हुआ है, एथनिक का मैं दिखाती हूँ। सो जो वकास कहाँ है? अब तो नहीं आएगी, कल देखो आएगी तो पूछोगे ना काम क्यों नहीं करके जा रही, दो दिन हो गए। अच्छा वकास से जो ड्रेस लेके दिया मुझे वो ये वाला लेके दिया है एथनिक से, ब्लैक कलर का फ्रॉक। अब कल मेरा शापोश वालों ने एक ड्रेस भेजा तो वो भी ब्लैक आ गया। ये बहुत ही प्यारा कलियों वाला फ्रॉक था, इस पर ये केरी बनी हुई है जिसके दुपट्टे पे भी बनी हुई है, ये देखें ऐसे, और दुपट्टे पे छोटे छोटे फ्लावर्स बनने में बहुत ही प्यारा है। ये इसका शलवार का कपड़ा है और ये साइज है स्मॉल आई गेस, इस पर लिखा होगा साइज, हाँ ये स्मॉल साइज है। तो ये वकास कह रहे हैं आज जाके चेंज करवा के कोई और ले लो, सो आज हम जाएंगे चेंज करवाने, या आज जाऊँगी या कल जाऊँगी, क्योंकि सैटरडे को ना नया स्टॉक आता है एथनिक का, तो सैटरडे को जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। ये भी बहुत प्यारा था, मैंने वकास को पहन के भी दिखाया था, प्यारा भी बड़ा लग रहा था। देखें यहाँ पे बटन्स हैं इसके, इसका ये चीज़ कितनी क्यूट सी है, देखना है ना। पर मसला ये है कि अब ये भी काला है और जो ये वाला आया शापोश का वो भी दिखाती हूँ, वो भी काला है। अच्छा शापोश से ड्रेस आया वो ये वाला, देखिए ये आया शापोश से देखें, और ये भी ब्लैक कलर में प्यारा है। ये मुझे ना कमीज शलवारी चाहिए थी, मेरा फ्रॉक से दिल भर गया, वो कहाँ से ज़बरदस्ती लेके दी ये फ्रॉक। इसका स्टाइल भी काफ़ी मज़े का है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, इसकी इसका प्लाजो या ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टे की भी लोन बहुत प्यारी है, सो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा वो वाला ब्लैक चेंज करा लेती हूँ, जब ये जो ब्लैक आ गया तो ये वाला पहनेंगे। मुझे शापोश से दो ड्रेस आए, एक थ्री पीस है एक टू पीस है। तो जो काम में गई थी घर पर लगा हुआ है तो वो ये लगा हुआ था कि हमने ना नेट वाले डोर्स लगवाए, क्योंकि पहले नेट वाले डोर्स नहीं लगे हुए थे। सो हब्स जो था वो घर में काफ़ी दफ़ा बन जाता था, लाइक कभी ना हवा इस तरफ की होती है, कभी हवा पीछे विंडो से आ रही होती है। फिर मैंने वकास को बोला कि यार नेट वाले डोर लगा लो, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं है ना माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक हमने इसका लगवाया है, इसका हमने इसने लगवाया क्योंकि ये डोर हमने लगवाया, इस वजह से ठहरे में अपने स्लीपर्स पहन लो, मैं नंगा पैर घूम रही हूँ, मेरी चप्पलें भी गंदी कर दी हैं। ये डोर बंद रहेंगे, अंदर मच्छर की कोई भी नहीं आएगी, वो सामने से हम खिड़की खोल देंगे, इतना अच्छा एग्जॉस्ट होगा दोनों तरफ से। और वकास है ना लगवाते साथ ही ना वो पॉलिश करवाने के लिए भी छोड़ दे, इतनी अच्छी पॉलिश हुई है, बड़े मजबूत बने, ये बहुत अच्छा बने, चटखनियाँ क्लीन हो जाएंगी वैसे इस चीज़ों का, मेरे ख्याल से थिनर से हो जाएगा। इधर क्या लगा हुआ, ये पेंट होने वाला इस पर ना, ये दिखा देना, इसको चाहिए था जैसे लास्ट टाइम भी करवाया था तो पूरे पर टेप लगाई थी, अब बोला ना सही ना ये चीज़, एटलीस्ट इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं उतार के करता है, पेंट पहले से लगाई क्यों चटक खरीद, क्या आखिरी राय जी आज पता किया, बहुत प्यारा डोर बने, लेवल बिल्कुल है ना, मजे के बने। मैं आपको ना बैठक का भी दिखाती हूँ, ठहरे, ये ड्राइंग रूम का डोर बन गया है, ये देखे ना अब बाहर वाला डोर बंदा खुला रखता है, ये बंद रहता है, अंदर रोशनी वगैरह भी अच्छी आती है और एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, लाइक बंदा दिन में ड्राइंग रूम का जो है ना वो, इसकी नेट भी दिखाना थोड़ी सी लूज़ हो रही है,
नहीं वो कह रही है देखना अभी आपका मौसम चेंज होगा ना तो ये सारा खिंच जाए। तो नेट के ऊपर भी पॉलिश कर दी है इसने, थोड़ा सा ध्यान से इसको बोले काम करे, टेप लगाए चारों तरफ इसके, जान छुड़ाने वाला काम करा, पैसे अपने मुंह मांगे ले रहा है। आप क्यों नहीं स्ट्रिक्टनेस दिखाते, मैं तो इतनी चीज नोट करती हूँ। घास ये जाली बची हुई किचन के डोर की है ना, ये ऊपर रखवा दे, किचन के डोर की जाली टूट गई थी। उसके बाद जो ये वाला ड्रेस और ये मुझे आया है, पेज का नाम क्या है, ओरिजिनल सूट, मैं पेज का नाम देख के बताती हूँ क्या, बट बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस, थोड़ा सा शोर हो रहा है नीचे क्योंकि ना वो लगी हुई है पॉलिश वाली मशीन। ये पेज का नाम निकल आया है यहाँ पे, क्या नाम है जी पेज का, महानूर सादिक, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। मैं पेज का नाम अच्छे से दिखाती हूँ, थैंक गॉड मशीन बंद हुई है। पेज का नाम है महानूर सादिक स्टाइलिंग और ये इनका व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। इतना प्यारा, इसके ऊपर सारा ये हाथ का काम हुआ हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट सिल्क है बट ए सी ए के पहनी जाएगी, तो बहुत पतली सी मज़े की सिल्क है, लाइट वेट, स्लीव्स भी देख लो कितनी प्यारी, आई थिंक पहना हुआ बड़ा प्यारा लगेगा ड्रेस, इसको मज़े से स्टाइल करेंगे ठीक है। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है यार, मतलब कमीज भी बहुत खूबसूरत है, दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है भाई। तो वैसे मैंने दराज से बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, अभी कुछ आई हैं कुछ नहीं आई हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ गई ना वो आपको दिखा देती हूँ, वो है ये मशीन, ये कीमे वाली मशीन है जो ईद पे आप सबके काम आने वाली है। मैं इसको जरा खोलती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कैसी आई है। बहुत अच्छे से पैक होकर आई थी और ये लगी हुई थी, कुछ पेज ने 16,000 की लगाई हुई थी, कुछ ने 18,000 की लगाई थी, कुछ ने लगाई हुई थी 12,000 की, और एक पेज पर लगी हुई थी 9,000 समथिंग की, यानी कि 10,000 की रेंज समझ लें। और ये बहुत ही फेमस वायरल मशीन है, इससे आप सीख कबाब भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। अगर इसको हम खोलते हैं तो ये हटाने लगे हम कार्ड छाप सारे, मैंने सोचा था सारी वीडियो ना एक दफ़ा करूँगी दराज की, बट ये मशीन ऐसी है कि मुझे लगता है कि ईद से पहले सबके पास होनी चाहिए, कचरा ना मचे उतना ही कमरा में कचरा मचा था। ये देखो यार कितनी अच्छी लग रही है मशीन यार, मीट मीट माइंसर प्रो मिन्स मीट, मीट मिन्सर प्रो मिन्स मीट मेक सॉसेज एंड इवन मीट और पेस्टी पेस्ट्री रोल्स, स्मार्ट स्टोरेज सिस्टम, इजी टू यूज एंड क्लीन, किस किस तरीके से यूज़ करनी है सारा लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये देखें आप बता, मैं शुरू से जिस दिन से मैंने चैनल बनाया मैं अपने चैनल के ऊपर प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ, और ये मेरा कंटेंट है, लोग चोरी कर लेते हैं वो अलग बात है, जो वायरल कंटेंट होता है जो वायरल प्रोडक्ट होता है मैं मंगवाती हूँ सबसे पहले अपने पैसों से खुद के और रिव्यू करती हूँ अंदर से। इस तरीके से यहाँ रख के इसको खोल लेते हैं, कैमरा खुश करते थोड़ा करीब कर लूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आए, है ना। अब ठीक है कैमरा अच्छे से पैक हुई है, मुझे देखें ये इस तरीके की मशीन है, इसका अटैचमेंट्स ये ऊपर लगे हैं आई थिंक इसके, ये ऐसे प्रेस करेंगे और कीमा निकलेगा, है ना ऐसे। इसके आगे लगाने वाली चीजें कहाँ है, और ये देख लें ये मैंने असेंबल कर लिया अच्छे से। अच्छा यहाँ पे इसका बटन है ये वाला पुश, इसको दबा के इसको निकालना है और इसी को दबा के इसको फिक्स करना है। इसके अंदर अपनी स्टोरेज दी हुई है जिसके अंदर इसका सारी एक्सेसरीज सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये राइट, और ये ऑन हो जाएगा इस तरह से ऐसे, और काफी क्यूट सी बनी हुई है। इसके अंदर यहाँ से कीमा भी निकल सकता है, और इसके अंदर इस जगह पर ढक्कन लगा हुआ है, इसको आपने अनलॉक करके ना ये देखो ये प्रेस करने वाला भी है, और इसके अंदर और भी गैजेट्स हैं इसके, ये दिखा देते हैं। ये रहे वेरी गुड, नीचे गिर गया, ये जो सॉसेज बनाने वाला है, और एक और भी है इसके अंदर गैजेट वो ये वाला है, और एक जो नीचे गिर गया वो है जब आपने इससे कोई टूल यूज़ करना हो तो आप इसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हो ये ऐसे, और ये वापस ऐसे लॉक हो जाता है लॉक, और फिर हम इसको इसके अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कीमा डालेंगे देखें अंदर से ऐसे नज़र आया आपको ये से चलेगी अंदर से, और ये इलेक्ट्रिक है, अब इसको यूज़ ऑन करके देख लेते हैं। इतनी तेज स्पीड है इसकी, परफेक्ट है यार, बस अब जल्दी से परसों ईद हो जाए, मंडे को ईद होगी ना, आज क्या है फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को ईद होगी फिर इसको यूज करूंगा आपके साथ भी शेयर करूंगी इसके रिव्यूज।
सो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग बताना आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है कि नहीं हो गई। अब मैं ईद वाले दिन व्लॉग लगाऊंगी क्योंकि कुर्बानी का जानवर आज वकास लेने जा रहे हैं, क्या पता आज आ जाए। तो जब वो कुर्बान हो जाएगा तो ईद के दिन आपको पता है फर्स्ट डे मेरे घर में दावत होती है और मेरे इन लॉज ने भी आना है मेरी तरफ, शायद सैटरडे को या संडे को वो लोग आ जाएंगे मेरे घर रहने के लिए, क्योंकि ईद पर लोगों ने जाना होता है दावत वगैरह में तो उनको मसला होता है कन्वेंस का, तो फिर हम लोग अपने साथ ही उनको लेने जाते हैं। सो लास्ट ईद पर आपको पता है हर ईद पर वो लोग मेरी तरफ ही होते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह उनके साथ व्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ईद के फर्स्ट डे पर व्लॉग आएगा दावत का, आप लोग वो देख लेना। और मेन चैनल पर आएगी गेट रेडी वीडियो, इतने अच्छे अच्छे ईद के कपड़े लिए अपने बच्चों के, वो सारे पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। लाइफ इन विलेज का चैनल जो है मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाना, सपोर्ट करना, कमेंट भी जरूर करना कि दाशा वकास ने भेजा है, ठीक है। छोटी छोटी सी नेकियां होती है जो हमारे लिए आखिरत में जो है वो हमारे लिए आसानी का जरिया होंगी, आप लोग भी नेकी में शामिल हो जाओ। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।